What is communication? Communication यानी बात चीत हमारी सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी इंसान से तभी रिलेट कर पाते हैं या रिश्ता बना पाते हैं जब आप उनसे सही तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोग आपस में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ सीखी जाती है। यह प्रैक्टिस के साथ बेहतर होती जाती है। आप अपने कम्युनिकेशन को कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यह परवाह किए बिना कि आपकी उम्र, आपका सोशल स्टेटस या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। किसी भी और स्किल की तरह ही इसमें भी कमिटमेंट और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। यह आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी काम करेंगे जब हम उन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे और अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उसका इस्तेमाल करेंगे। यह बुक आपको यह सिखाएगी कि आप कैसे अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को बदलकर उसे और बेहतर बना सकते हैं। दे एक लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत ही जरूरी पहलू है, लिसनिंग यानी सुनना। आप सामने वाले इंसान से असरदार तरीके से बात कर पाए इसके लिए जरूरी है कि आप में अच्छी लिसनिंग स्किल्स भी हों। लिसनिंग का यह मतलब नहीं कि आप बस चुप होकर अपनी बात कहने के मौके का इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात रखने का मौका दें। जब आप सुनते हैं तो आप सामने वाले इंसान को अपनी सोच, अपनी राय और अपने आइडिया रखने का मौका देते हैं। एक नामी साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स का यह मानना है कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने का मौका देते हैं तो उनके सोच और व्यवहार यानी में बदलाव आ जाते हैं। हम अपने प्रॉब्लम पर बेहतर तौर पर काम करके उन्हें तब सॉल्व कर पाएंगे जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो हमें अच्छी तरह सुन और समझ सकता हो। अगर सामने वाले इंसान के आइडियाज हमें बेकार लगे तो भी यही अच्छा होगा कि हम एक बार उनकी बातों को सुन जरूर लें। इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए यह जरूरी है कि हम शांत रहकर दूसरों को उनकी बात बोलने का मौका दें। दूसरों की ओर सब्र और समझ दिखाकर हम उन्हें यह मौका देते हैं कि वे अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल और उन्हें सॉल्व करने के नए तरीकों को ढूंढ सकें। आप बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं? बेहतर लिसनर बनने के लिए आप यह कर सकते हैं कि जब सामने वाला बात कर रहा हो तो आप उन्हें हिम्मत देने के लिए यह दिखा सकते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छी तरह सुन रहे हैं। सिर हिलाने या बात में दखल न देने वाले शब्द जैसे कि अच्छा का यूज करने से आप सामने वाले को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करने से आप उन्हें और हिम्मत देते हैं जिससे वे अपने मन की बात कर पाते हैं। सामने वाले को एक साथ अपनी सारी बातें बोलने का मौका देने से भी आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं। यह तरीका तब जरूर काम आता है जब सामने वाला बहुत गुस्से में हो और वह सिर्फ यह चाहता हो कि कोई उसकी बात सुने। ऐसा करने से उसका गुस्सा कम होगा और वह इंसान शांत हो जाएगा। जब कोई इंसान आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो आप उन्हें जज करते हैं और यह अंदाजा लगाते हैं कि वो इस वक्त कैसी हालात से गुजर रहा है। सामने वाला कैसी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है यह समझने के लिए आप अपने मन में उसे लेकर कई बार थियोरीज बनाते हैं। यह आपकी ओर से एक गलती है। जब सामने वाले इंसान को यह पता चलेगा कि आप उन्हें जज कर रहे हैं यानी उन्हें लेकर अपने मन में कोई राय बना रहे हैं, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगेगी। आपको सलाह देने से खुद को रोकना चाहिए जब तक कि सामने वाला खुद एडवाइस ना मांगे। आपको सामने वाले को यह भी नहीं कहना चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप सच में यह बात नहीं समझ सकते। ऐसा हो सकता है कि आप भी उनकी सिचुएशन से मिलती जुलती सिचुएशन से पहले कभी गुजरे हों, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपके रिएक्शन भी उनके जैसे होंगे। हमारे स्वभाव, इमोशंस, पिछले एक्सपीरियंस और फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग होते हैं। जब कोई आपसे सलाह मांगे तो आपको यह सोचना चाहिए कि वह इस पर कैसे रिएक्ट करेगा
और यह समझना चाहिए कि आपको कब रुकना है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज आपको यह बता सकती है कि उन्होंने आपकी दी हुई एडवाइस पर कैसे रिएक्ट किया है। तब आप यह बता सकते हैं कि आपकी एडवाइस अच्छी तरह से ली गई है या नहीं, और इससे यह समझ सकते हैं कि आपको कब रुकना चाहिए। जब भी आप किसी को सलाह दें, तो आपको यह समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी सलाह ले सकता है या लेने से मना कर सकता है। आपको यह बात साफ साफ समझना चाहिए कि उनके डिसीजन में आपको दखल नहीं देना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कैसे करें? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तो आप किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को कॉल कर सकते हैं जिनसे आपने लंबे समय से बात ना की हो। 20 मिनट की फोन कॉल को यूज करके आप यह मेजर कर सकते हैं कि आप दूसरों की बातों को कितने अच्छे से सुन सकते हैं, और यह मौका आप उस इंसान से अपना रिश्ता सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस से और बेहतर बना सकते हैं।